ध्यान नहीं दे रहा, अपने आप जनता को कर्फ्यू के फॉर्म में घर में बैठना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक यही जरिया है इस क्राइसिस को रोकने का, और 4 महीने बाद की तैयारी सरकार को करनी चाहिए, वो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, सबको 4 महीने से 6 महीने बाद जो थर्ड वेव आने वाली उसकी तैयारी करनी चाहिए, और हम सबको एज ए सिटीजन सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये देश की इज्जत की बात है, हम सबको आगे मिल करके साथ चलना बिल्कुल चाहिए, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऑक्सीजन अगले 4 से 5 दिनों में सही ढर्रे पे आ जाएगी। जिस तरह से मीटिंग चल रही है, ये लोग वादा करें ना करें, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिनों में ऑक्सीजन ढर्रे पे आ जाएगी, लेकिन बाकी अदर स्टेट में जब ये पीक आएगा उस समय की तैयारी वो स्टेट कर लें, ये चेतावनी है। सर, लेकिन 4 से 5 दिन तो बहुत बड़ा वक्त होता है, यहां पर तो आधे घंटे तक का इंतजार नहीं हो पा रहा। 4 से 5 दिन तक अगर लगेंगे ऑक्सीजन की आपूर्ति होने में तो स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टर कौशल शाह, आपकी सलाह मैं चाहूंगी, और साथ ही अगर सरकार को भी आप लोग अगर कुछ कहना चाहें हमारे टीवी चैनल के माध्यम से तो जरूर बताएं कि ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। देखिए, हम अभी बात काफी देर से सुने जा रहे हैं, हम सभी लोग पिछले 2-3 दिन से सुने जा रहे हैं कि एक सेंट्रल ने अपना कंट्रोल ले लिया ऑक्सीजन कंजम्पशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम आज भी उसी तरह से हेल्थ केयर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं जैसा कल तक कर रहे थे। कल और आज में स्थिति में कोई डिफरेंस नहीं आया है। जहां तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, हम आज भी राजनीति कर रहे हैं। सब अपनी स्टेट्स या तो अपने बारे में सोच रहे हैं या अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी राजनीतिज्ञ ने, किसी भी पार्टी के किसी भी अस्पताल में जाके स्थिति को खुद जाके देखा है या नहीं देखा है। अगर कोरोना से डर है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम लोग भी काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वाले भी काम कर रहे हैं, सारे डॉक्टर, सारे नर्सेस, सारा स्टाफ जुड़ के काम कर रहा है। मैं आपको अपनी कल की स्थिति बताता हूँ। कल जब हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने वाली थी, मेरे पूरे अस्पताल की टीम तैयार थी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोई भी हो, कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई और अगर भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, हमारे पेशेंट्स कोलैप्स होने स्टार्ट हुए, हम सब कुछ जो बन पड़ा है करेंगे। कोविड की कोई चिंता नहीं होगी। किसी ने आके नहीं पूछा हमसे, अथॉरिटीज में से, कि आपको क्या सहायता चाहिए ऐसी स्थिति में। हम लोगों ने OSD अपॉइंट कर दिए हैं, सबके नंबर और नाम सर्कुलेट कर दिए गए सबके तरफ, लेकिन वो लोग फोन ही नहीं उठाते। तो सहायता लें किससे हम, जब सबको पता है किस अस्पताल की कितनी कैपेसिटी है, उनके टैंक्स की, वो कितनी देर रन कर रहे हैं, क्यों उसके पहले हमको नहीं पूछा जाता कि आपके पास सप्लाई अभी अगली अवेलेबल है या नहीं है। वो जब खत्म होने वाली होती है, उसकी कुछ देर पहले से हम ही लोग स्टार्ट करते हैं सारा स्ट्रगल। वो स्ट्रगल इतना ज्यादा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। उसमें जो जो पॉसिबल होता है वो लोग सब कुछ करते हैं। ईमेल डालते हैं अथॉरिटीज को, कॉल करने की कोशिश करते हैं, मैसेजेस जी करते सर, हैं, हमारे बंदे जो आउटलेट्स हैं वहां पे जाते हैं। इट इज अ टेरिबल सिनेरियो। डॉक्टर्स के सामने किस तरह की परेशानी है यह आपने सुन लिया है, लेकिन यकीनन ऑक्सीजन की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए जब अस्पतालों के बाहर ये चस्पा हो जाता है नोटिस कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों की भर्ती नहीं हो सकती, जरा सोचिए मरीज जो बाहर खड़े हैं अस्पताल के अपने तीमारदारों के साथ, उनके ऊपर क्या गुजरती और क्या बीतती होगी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। भगवान न करें आप जो लोग घर में इस वक्त मौजूद हैं उनको अस्पताल जाने की नौबत आए, इसी वजह से डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं उसको आप गौर से सुने। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन उम्मीद यही ऑक्सीजन पर किसी भी तरह की कोई दंगल नहीं हो और जल्द से जल्द आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।